ओम ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के इस विशाल समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सिक्किम के राज्यपाल माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित स्वामी सुमेधानंद जी, महाशय धर्मपाल जी, श्री सुरेश चंद्र आर्य जी प्रधान सार्वदेशिक, और मंच पर सभी आदरणीय आर्यन नेतागण भाई विनय आर्य जी। इस विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय आर्य बुजुर्गों, युवा बंधुओं, देश का भविष्य होनहार बालकों, सर्वप्रथम मैं समस्त आर्य जनता की ओर से भारत के यशस्वी प्रतिष्ठित और इस राष्ट्र को दिन प्रतिदिन नई दिशा प्रदान करने वाले राष्ट्रपति महोदय को का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आर्य समाज के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आर्य समाज का अतीत इतिहास बहुत जाज्वल्यमान रहा है। ऋषि दयानंद टंकारा की धरती पे पैदा हुए, संपूर्ण उत्तर भारत को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उस समय जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, ऋषि दयानंद ने उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उस समय जब कोई जात पात की बात कर भी नहीं सकता था, ऋषि दयानंद ने उस समय इन सब विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए वेद के अनुसार जात पात व्यवस्था का घोर विरोध किया। उस समय नारी जाति को पढ़ने से वंचित किया गया था, स्त्री शूद्रो ना दीयताम का नारा लगाया गया। पहला कोई महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा लगाकर भारत की नारी जाति को स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिया। जो अधिकार एक पुरुष को है वही नारी को है, ये सिद्धांत वेद के आधार पर उन्होंने प्रकट किए। भाइयों और बहनों, उन दिनों भारत विदेशी दासता की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था। यदि स्वदेशी का, स्वदेश स्वराज्य का शब्द किसी ने पहले दिया तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के लिए, जो अभी विनय जी ने जो बात कही, सत्यार्थ प्रकाश में उस काल में जब अंग्रेज के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था, ऋषि दयानंद आठवें समुल्लास में लिखते हैं कि विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य स्नेह करता हो तो भी अच्छा नहीं होता, स्वदेशी राज्य ही अच्छा होता है, अपना राजा ही अच्छा होता है। ये विचार निर्भीकता पूर्वक किसी ने रखे तो ऋषि दयानंद ने दिए। भाई और बहनों, शिक्षा जगत में आर्य समाज ने जो उस समय काम किया वो इस देश की किसी संस्था में नहीं। आज इस देश में हजारों डीएवी विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं, अनाथालय हैं, दीन दुखियों के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जिसमें मानवता के कल्याण के लिए आर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके काम ना किया हो। तो हमारा इतिहास बहुत ऊंचा इतिहास रहा है। आज हम अगले तीन दिन के लिए
संपूर्ण भारतवर्ष के लोग, विदेशों से आए हुए हमारे आदरणीय लोग यहाँ पर चिंतन करने के लिए बैठना है। हमने भावी नीति को तय करना है, हमने विचार करना है कि भावी भारत का स्वरूप कैसा हो। हमने इन दिनों में विचार करना है भारत के युवा की दिशा कौन सी हो। हमने विचार करना है कि हमारे वेद प्रचार की नीतियाँ किस रूप में जन जन तक पहुँच करके और ऋषि दयानंद के विचारधारा को पहुँचा सकें। हमने विचार करना है कि हमने कृषि के माध्यम से जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखी कि गाय के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, उसको उन्नत करने के लिए किस दिशा में काम करना है। हमने भारत की कृषि नीति जो आज जहर युक्त बन चुकी है, जिसने हमारे भूमिगत जल को खत्म कर दिया, जिसने पर्यावरण को बिगाड़ दिया, जिसने जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर दिया, जिसने अस्पताल बीमारों से ला करके भर दिए, भाई और बहनों, जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, आज इस प्रकार की सोच को बदलने की जरूरत है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने किसान को राजाओं का राजा लिखा है। आज इस देश का राजा बड़ा त्रस्त है। आर्य समाज ने इन चार दिनों में एक चिंतन देना है कि हम प्राकृतिक कृषि के द्वारा भारत के किसान को समृद्ध कैसे कर सकते हैं, लोगों को रोग मुक्त कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बचा सकते हैं, गाय माता को कैसे बचा सकते हैं। आर्य वीर दल जैसा संगठन जो आर्य समाज के अंदर आने का एक द्वार है, युवा पीढ़ी के प्रवेश का द्वार है, उसको हम पूरे देश में कैसे फैलाकर युवा पीढ़ी को आर्य समाज की विचारधारा में आने का रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर इन चार दिनों में गहनता से हमने चिंतन करना है। हमारा राष्ट्र उन्नत और महान बने, ऋषि दयानंद की विचारधारा जन जन तक फैले, इस समाज में कुरीति अंधविश्वास समाप्त हो, पाखंड समाप्त हो और एक नया सोच और चिंतन आने वाली पीढ़ियों को हम दे पाएं। इस पूरे सम्मेलन का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाला भारत, आने वाला समाज, आने वाला देश हमारा किस प्रकार से आर्य समाज, ऋषि दयानंद और वेद की विचारधारा से ओतप्रोत हो सके। मैं भी जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी ने चर्चा की, मैं नहीं, जितने भी लोग आज हम इस मंच के ऊपर हैं, हम सब आज जिस रूप में हैं वो ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा का परिणाम है। भाई और बहनों, अभी माननीय राष्ट्रपति जी अपने बीते संस्मरण मुझे सुना रहे थे कि मैं कानपुर में पढ़ता था, मेरा 4-5 साल का कार्यकाल आर्य समाज ऋषि दयानंद की संस्थाओं में व्यतीत हुआ है। आप बता रहे थे कि मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था, आर्य समाज का हॉल था, 3-4 दिनों तक आर्य समाज और वेद का प्रचार होता था और हमें शाम को 7 बजे भोजन दे दिया जाता था ताकि उसके बाद जा करके आर्य समाज के विद्वानों के वेदों के प्रवचन सुने और अपना एक संस्कारवान जीवन बना सकें। आर्य समाज ने पूरे देश में गुरुकुलों की जो श्रृंखला फैलाई, स्कूलों की जो श्रृंखला फैलाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीजों की जो स्थापना की, उससे भारत के बहुत बड़ी युवा पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने को और संस्कारित होने का अवसर मिला है। आज भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा है उसका बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। हमारी दोनों प्रकार की विचारधाराएं निर्बाध गति से बढ़नी चाहिए। आर्ष गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसमें आर्य समाज के विद्वान उपदेशक तैयार होकर के ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाएं, और आधुनिक रूप से भी हमने साइंस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होते हुए इस देश के विकास में
अहम भूमिका निभाने के लिए इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो मैं अधिक न कहते हुए, आज माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, समस्त आर्य जनता गौरवान्वित है और समस्त आर्य जनता अपने भावी भारत के निर्माण की दिशा में, आर्य समाज के प्रचार के क्षेत्र की दिशा में, वेद प्रचार के क्षेत्र की दिशा में महान चिंतन करके यहाँ से उठेगा और हम एक नए भारत, नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।